ये किड्स बेडरूम है, आपको बताया हमने, और ये छोटा पूजा मंदिर है इस घर के लिए, आप देख सकते हो अच्छे से। और ये वॉल क्लैडिंग और इस घर का हैंडवाश एरिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। हैंडवाश एरिया के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा कॉमन बाथरूम है, यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ये टिविनेट है, इस घर में जो भी ऑलमोस्ट हॉल जिसको लिविंग बोलते हैं, लिविंग एरिया में पूरा का पूरा वेनियर यूज किया है, और रूम में हम लोगों ने मेरिनो का लामनेट यूज किया है। अब आपको बता देता हूँ, किचन में हम लोगों ने 3D PVC लामनेट है वो यूज किया है, जो लामनेट यूज किया वो 3D PVC लामनेट है भाई, पूरा 3D PVC लामनेट यूज किया हुआ है इस किचन में, लॉफ्ट में सभी जगह। और आपको हॉल में अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये वॉल क्लैडिंग है, स्टोन वॉल क्लैडिंग बोलते हैं, टाइलिंग में एक्सांजल शेप में डिजाइन है। और हॉल में आप देख ही सकते हो रॉयल मिस्ट अपार्टमेंट, यंगलोंग 108 फ्लैट नंबर। फॉर योर रिव्यू, टाइल्स वॉल क्लैडिंग, वीनियर वुडन क्लैडिंग, सफेदी वुड कलर, सफेदी वीनियर डार्क, थ्री कॉम्बिनेशन। किचन हाईलाइट टाइल्स 850 स्क्वायर फुट हाईलाइट टाइल्स प्राइस। ओपनेबल डोर इनसाइड विच लामनेट वुड कलर नॉट सॉफ्ट क्लोजिंग। This is a spice rack. बास्केट थाली बास्केट चप्पल सॉसर बास्केट कटलेरी थाली बास्केट कुकर बास्केट कॉर्नर सिलेंडर स्टोरेज होल्डिंग सेल्फ स्टोरेज वॉश बेसिन फ्रेमिंग वर्क
सिंक, फ्यूचरा सिंक, क्वार्ट्ज फिनिशिंग, ब्लैक कलर, प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म ब्लू पर्ल ग्रेनाइट, 550 रुपीज स्क्वायर फुट प्राइस इन बेंगलोर। फुल व्हाइट टाइल्स, ग्रेनाइट फ्रेमिंग, सेंट्रल स्टोरेज, हाइड्रोलिक, ओपनेबल डोर, सेंट्रल कॉर्नर यूनिट, लॉफ्टिंग, इसको डोर भी लगा सकते हैं हम लोग अगर चाहिए तो। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया इस घर में। यह मंदिर में आप देख सकते हो यहाँ सफेदी कलर का मीनर यूज किया है और यहाँ पे लाइट कलर का मीनर है और यहाँ पे देखिए ये पिलर है, ये बीच कलर का पिलर बनाया है, इसको टर्निंग करके बनाया जाता है वर्ल्ड में। अच्छे से देख सकते हो आप टर्निंग किया हुआ होगा ये पिलर होगा। तो ये तीन पीस हम लोग बनाया है, ये हाथ से देख सकते हो आप इसको, ये वर्ल्ड में टीक में है, ये टीक वुड का है और यहाँ पे जो पिलर दिख रहा है आपको बीच वुड कलर का है, ये पूरा टी फुट का है। फोर ईयर बैग सेम है जी, पहले था वैसा का वैसा ही है, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो आई बॉल लाइट लगा हुआ है यहाँ पे पूजा रूम में लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ। और इसका जो वॉल लाइटिंग है वो भी सफेदी और ये लाइट कलर का वीनियर इसके साथ किया हुआ है पूरे घर का। दोनों से देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद स्कर्टिंग है टाइल्स का डाल रहा, लेकिन हम लोगों ने इसको वीनियर भी किया है, स्कर्टिंग भी वीनियर भी किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं डार्क कलर का वीनियर है, ये डार्क कलर का वीनियर है, यहाँ पे सफेदी कलर का है, सेम एज इट जैसा था वैसा का वैसा है, कोई नीचे से नहीं। यहाँ डोर के बाजू में देखिए, यहाँ पे हमने कॉर्नर देखिए, डोर के बाजू में यहाँ पे हमने फ्रेमिंग करके यहाँ पे बिल्डिंग डाला है। बिल्डिंग देखिए कितना स्मूथ है, नो शार्प एजेस है। फोर ईयर के बाद एजिक जैसे पहले था वैसा का वैसे नो इश्यू है। और ये डोर पे भी देखिए, डोर पे कंटिन्यू है, डोर है ऊपर बाहर नहीं है, डोर है रूम के लिए। ये डोर को हम लोगों ने वीनियर डाला है, सेम कंटिन्यू किया है पूरे घर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये रोल प्ले, ये वाल का जो पेंट किया है रोल प्ले पेंट है, 120 स्क्वायर फीट में रेडी होता है, वाल कर रहा है कलर टॉस गोल्ड टच है, जैसे रोल प्ले पेंटिंग बोलते हैं इसको। ये हैंड वॉश एरिया है, देख सकते हो हैंड वॉश एरिया में ये ओवल है, ग्लास का ओवल है, ग्लास का ओवल यूज किया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो विनियर को ये अच्छे से ट्रन किया है, विनियर ये है, विनियर को ट्रन किया जैसा एजिट था अभी भी वही है, कोई कंप्लेन नहीं है इसमें देख सकते हो। बैक साइड में हम लोगों ने टाइलिंग किया है, टाइल देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये मास्टर बेडरूम का रूम डोर है, मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में यहाँ पे ये सफेदी कलर का वीनियर है और मिडिल में लाइट कलर वीनियर यूज किया है। इसके बाद आप वार्डरूम देख सकते हो, ये वार्डरूम है, स्लाइडिंग वार्डरूम है मास्टर बेडरूम में, स्लाइडिंग वार्डरूम है,
एकदम स्मूथ है, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए दो ड्रायर है, और अंदर में जो लामनेट यूज़ किया हम लोगों ने वो विचूट कलर का लामनेट है। जो ड्रायर को दो लोग लगाया हुआ है, और ये अंदर में एक्सेल स्टोरेज है। यहाँ पे देखिए आप, ये था स्लाइडिंग वार्डरूफ। और इसके बाद में आप यहाँ पे ड्रेसिंग देखिए, ये ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग के अंदर स्टोरेज है, और डोर के ऊपर मिरर यूज किया है, अंदर में वही लामनेट यूज हुआ है। अब यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड लगाया है। ये स्विच बोर्ड किस लिए, एक स्टडी टेबल पे यूज करने के लिए, अंदर से क्लोज करके डमी करके बाहर स्विच बोर्ड लगाया है, उसको अंदर से पूरा डमी किया है। ये पूरा मिरर है, और ये एक ड्रायर है स्टोरेज के लिए। ड्रायर के अंदर भी वही लामनेट है। और यहाँ पे ये एक सीटिंग है, यहाँ पे कुशन आएगा, पहले था वो हम लोगों ने चेंज किया है। अभी ये स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल है इस रूम का, और वो लॉफ्टिंग है कंटिन्यू, देख सकते हो आप। और पीओपी फॉल सीलिंग देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल फॉल सीलिंग है। और वहाँ पे हेडबोर्ड के पास में देख सकते हो, ये छोटा सा टीवी रूम है, टीवी यूनिट है। यहाँ पे देखिए, ये हमने डोर फ्रेम क्लाइडिंग किया है, यहाँ पे देख सकते हो। सेम लामनेट रूम के मैचिंग का लामनेट यूज किया है यहाँ पे, सेम जैसा रूम का। और यहाँ पे देखिए बिडिंग, देखिए आप यहाँ पे कोई शार्प एडजस्ट नहीं है, बिडिंग डाला है यहाँ पे कॉर्नर में फ्रेम के, तो इसमें कोई शार्प एडजस्ट नहीं है। अभी आपको किड्स बेडरूम की तरफ लेके जाता हूँ। ये किड्स बेडरूम है, ये किड्स बेडरूम का रूम का डोर है। अभी ये डोर सेम वही क्लाइडिंग के मैचिंग का भी नहीं यूज किया है। और सेम वार्डरोब का जो लामनेट लगा है वही लामनेट हम लोगों ने डोर पे लगाया है, सेम एज इट जैसा था वैसा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। वार्डरोब भी देख सकते हो, ये लामनेट लगा हुआ है, हैंडल देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई सेकिंग नहीं है, हैंडल में जैसा था वैसा है। तो लामनेट, इस लामनेट का नाम है अफ्रोमसिया, और ये भी मेरी नोवे लामनेट है। अंदर में जो लामनेट डाला है वो लामनेट विचूट कलर का है, नॉर्मली लोग व्हाइट कलर लामनेट यूज करते हैं, हम लोगों ने इसमें विच कलर का ये लामनेट यूज किया है। सेम आज जैसा था वैसे ही, और पीओपी नॉर्मल फॉल सीलिंग किया हुआ है इसमें। यहाँ पे देखिए छोटा मोटा बच्चों के लिए बटरफ्लाई जैसा कुछ भी आइटम थोड़ा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई है, वहाँ पे बर्ड्स है, पड़ जाए। सेम आज ये वाले में भी हम लोगों ने रॉयल प्ले पेंट किया है, रॉयल प्ले पेंट है, इसको रॉयल प्ले बोलते हैं। और ये बालकनी का डोर है, सेम रूम डोर के मैचिंग रूम का लामनेट कलर के साथ मैच करके रूम को देखिए आप इसको देख सकते हैं। बालकनी डोर है, और ये इसके बाद में कोई एवरीथिंग एज इट है।